बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 10। इसमें जो है वो ओवरऑल अगर टॉपिक्स की बात करें तो हमें जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके बाद डिस्कस करना है। इसमें मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं ओहम्स लॉ जो है डिस्कस करना है, पावर के फार्मूले डिस्कस करने हैं, इसमें जो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर वाले टॉपिक को डिस्कस करना है। इसमें जो स्पेशल वाला टॉपिक है वो किरचॉफ रूल्स हैं और पोटेंशियो मीटर भी लास्ट ईयर जो है इसमें ऐड कर दिया गया था, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट होगा। सो इसमें जो है वो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो है उसके भी ऊपर भी हम बात करेंगे, ज़ाहरा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। इसमें यूनिट नंबर 10 जी, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वेरी इजी जी, वी से डैट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं रेट ऑफ चार्ज जो है वो क्यू बाय टी जो है वो चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस एरिया ऑफ वायर जो है पर सेकंड, उसको हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है क्यू बाय टी। अच्छा यहाँ से जो है वो देखें कि इसका जो ऐसे यूनिट है वो क्या होता है जी, कूलम एम्पियर सॉरी। सो वन एम्पियर हम कहते हैं किसके इक्वल होगा, डेट विल बी इक्वल टू वन कूलम पर सेकंड। वन कूलम पर सेकंड जो है इसको हम कह रहे होते हैं कि ये जो है हमारे पास वन कूलम पर सेकंड जो है वो इसमें से वन एम्पियर के इक्वल होगा। सो इसका मतलब ये हुआ, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट और मल्टीपल चॉइस इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूनिट में बताया था कि वन कूलम ऑफ चार्ज जो है वो किसके इक्वल होता है, वन कूलम ऑफ चार्ज जो है वो 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो है वो क्रॉस कर रहे हों, हम कहेंगे डेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ करंट ऑफ वन एम्पियर, तो उसमें से हम कहेंगे वन एम्पियर ऑफ करंट जो है वो पास कर रहा है। ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो हमें इस सिंपली इसी फॉर्मूले से रिलेटेड जो है वो आमतौर पर पूछे जाते हैं, जिसमें हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी जो है। ठीक है जी। अब जैसे जो है वो हम क्वेश्चन आ सकता है जी, आपसे पूछा जाएगा द करंट थ्रू अ वायर जो है, सिंपल इस तरह क्वेश्चन जो है इज लेट से आपसे कहे जी 8 mA। ठीक है जी। सो द चार्ज ठीक है पासिंग थ्रू इट जो है इन, आगे लेट से आपको टाइम गिवन है, आपको टाइम बता दिया उसने, लेट से 0.20 सेकंड जो है वो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े सिंपल। सो आपने यहाँ पर फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर देना है, क्या जी आई इज इक्वल टू, चूंकि हमें पता है क्यू बाय क्या होता है टी, यहाँ से जो है वो उसने चूंकि चार्ज पूछा है तो डेट वुड बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। सो यहाँ से जो है वो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, करंट आपको बताया 8 mA × 10⁻³ टाइम जो है वो 0.20 सेकंड बताया हुआ है। सो आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे गेट द आंसर, तो ये 0.16×10⁻³ जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको आगे रीअरेंज भी कर सकते हैं, या इसको हम कहेंगे कि ये 0.16 जो है वो मिली कूलम है। ठीक है, जैसे जिस फॉर्मेट में आंसर गिवन हो उस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समटाइम्स इसी वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा वो मॉडिफाई करके भी दे सकता है, वो कैसे, चूंकि यहाँ पर जो है वो याद रखना आपने कि चूंकि हम जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका यूनिट है वो क्या यूज कर रहे हैं जी, वो एम्पियर यूज कर रहे होते हैं, ये ऐसे सिस्टम है सिस्टम इंटरनेशनल में। अच्छा एक और क्वेश्चन है जो हमें अक्सर पूछा जाता है जी, इसका CGS सिस्टम में यूनिट क्या होता है। CGS सिस्टम में जो इसका यूनिट है वो होता है स्टैट एम्पियर। ठीक है, तो वो जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये स्टैट एम्पियर जो है वो वन स्टैट एम्पियर जो है वो, या वन एम्पियर जो है वो किसके इक्वल होगा, वन एम्पियर जो है वो आपके पास कितना होता है 3×10⁻⁹ स्टैट एम्पियर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो है उसका CGS सिस्टम है, तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये याद रखना आपने।
ओके समटाइम्स जो है वो हमें क्वेश्चन जो है वो इस सिंपल फॉर्मूले के बजाय किसी और एक फॉर्मूले में पूछा जा सकता है, वो क्या किसी और की जगह, जैसे हमने मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में बताया था टोटल चार्ज जो होता है वो क्यू इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई ई के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास न्यू फॉर्मूला बन गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी की जगह हम कहेंगे एन ओवर जो है एन ई ओवर टी हो जाएगा। सो लेट से आपसे जो है वो क्वेश्चन जो है उसने चेंज कर दिया, उसने कहा जी आपसे पूछा ये कि ये बताएं कि इसी वाले क्वेश्चन जो है वो उसको हम जो है वो थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं कि द करंट थ्रू अ वायर जो है लेट से जी इज आपसे कहा उसने 4 मिली एम्पियर जो है उसमें से करंट है, ठीक है। इन इन जो है लेट से पर जो है वो पर सेकंड, ठीक है। लेट से ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देन आपसे पूछ रहा है कि ये बताएं, या यूं आपसे पूछ रहा है देन ये बताओ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through the wire per second जो है वो क्या होंगे, लेट्स से ये इस तरह से क्वेश्चन। सो जस्ट रीअरेंज करना है, जस्ट आपको ये समझाना है कि फॉर्मूला जो है वो कैसे यूज करना अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। अच्छा गौर करें तो उसने हमें सिर्फ यहाँ पे करंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जो है वो आपने बताना है कि कितने होंगे। अच्छा अब हम हमें पता है कि फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एन ओवर एन ई ओवर टी है, एन हमें अगर लेट्स से फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट अगर हमें टाइम फाइंड करते हैं तो डेट वुड बी इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय चार्ज हो जाए। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर जो है हमारे पास करंट कितना हम कह रहे हैं 4 × 10⁻³ और ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है जी। सो अब देखो कि वन पूल जो है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये 4/1.6, अब 1.6 अगर मैं यहाँ से ये डेसिमल रिमूव करता हूँ 16/10 मतलब ये ऊपर जाकर 40 हो जाएगा। सो 40 / 16 × 10⁻¹⁹ ये −19 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये +16 के रोड आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं सो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो लेट्स से कि मैं इसको 4 से सॉल्व करता हूँ तो 10 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 × 10⁻¹⁹, और यहाँ पर जो है वो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा ये आपके पास जो है वो 2.5 × 10⁻¹⁹ जो है यहाँ हो सकता है कि 16 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तकरीबन पर सेकंड, ये इस तरह के आंसर हो सकते हैं। सो लेट्स से जी आपको इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पर सेकंड जो है वो पास कर रहे हैं तो ये बताएं कि करंट कितना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड गिवन भी हो सकता है, आपने उसको चार्ज 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आई विल गेट द आंसर। यहाँ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पूछे हैं तो आपके पास इसी को रीअरेंज करेंगे तो वो आई ओवर ई हो जाएगा, ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो जस्ट आपने याद रखना है कि जो हमारे पास जो है चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इन केस ऑफ मेटल्स जो हैं हम चार्ज कैरियर जो है वो किसको कह रहे होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कह रहे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर इन केस ऑफ मेटल्स, ठीक है जी। इन केस ऑफ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, उसमें जो हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब जो हमारे पास गैस होते हैं, किसी भी गैस में जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हो तो उसमें जो हमारे पास जो है वो चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड जो है वो आयंस हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स
उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जो हैं जी क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स जो है वो उसको हम फ्रिक्वेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन या हम कहते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉजिटिव चार्ज को। अच्छा ये नेक्स्ट जो है वो सिंपल है कि हम जो है वो दो तरह के करंट की बात कर रहे होते हैं, अक्सर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा हम कह रहे होते हैं अक्सर जो है वो कन्वेंशनल करंट, जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। देखो जी इसमें जो है वो कन्वेंशन को बरकरार रखने के लिए हम जो है वो असल में कह रहे होते हैं कि द जो करंट है डेट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हालांकि जो एक्चुअल करंट होता है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डेट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस होता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो हम कहते हैं कि ये जो बेसिकली इट इज द ड्यू टू द फ्लो ऑफ जो है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ हम कहते हैं किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं। और जो कन्वेंशनल करंट है ये बेसिकली इट इज सपोज्ड क्या है कि ये जो मेटल्स के केस में हम कहते हैं इट इज इमेजिनरी या सपोज किया जाता है, ये सपोज करंट होता है। सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर जो खैर इसमें जो है वो दूसरी चीज जो होती है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की हम बात कर रहे हैं और लेट से कि हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है और इसमें लेट से कि ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड की हम बात कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डेट ऑलवेज टेंड टू गो टू जो है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है इसकी डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट की वो लो पोटेंशियल टू क्या होती है हाई पोटेंशियल, जबकि जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है इसकी जो डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल टू क्या होती है लो पोटेंशियल। अच्छा एक और बात, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जाहिर है वो पॉजिटिव से क्या होती है नेगेटिव होती है। सो यहाँ पर जो है वो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव कर रहा होता है, जबकि ये जो आप कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो वो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो वो हम कह रहे होते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करता है। सो एक्चुअली जो है वो कन्वेंशन जो है वो करंट अगर आपकी डेफिनेशन को बुक से पढ़ें तो आप वो कहते हैं जी इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पॉजिटिव जो चार्जेस की वजह से होता है डेट इफ इट इज सपोज्ड, वहाँ पे जो है ना वर्ड यूज किया हुआ कि हमने सपोज किया कि इमेजिनरी जो करंट है वैसे जो करंट है डेट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ जो मेटल्स की बात हम कर रहे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। चूंकि हम ये सपोज कर लेते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस होता है सेम टाइम में जो है वो उतना ही जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्प्लेस हो रहा होता है, इस वजह से हम इसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे देते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है, इसी में हमें डिस्कस करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो है ना इसकी डेफिनेशन में ही जो है वो इसका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो सारा का सारा है। सो कहता है जी द स्मॉल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय स्मॉल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, तब जो है हम उसको कह देते हैं कि ये जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ कीवर्ड जरा नोट करें, कहता है स्मॉल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ड्रिफ्टेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक करंट में बताया
कि जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो फ्लो होता है वो अगेंस्ट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. और कहता है व्हेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जब आप अप्लाई करते हो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर तो ये होता है. अब ये स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी जो वो कितनी होती है, डेट इज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डेट इज जो है वो हमारे पास होती है 10^-3 मीटर पर सेकेंड. देखिए कितनी स्मॉल वेलोसिटी है, ठीक है जी. और इसको जो है वो समटाइम्स हम कह सकते हैं कि ये 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. तो समटाइम्स इस फॉर्मेट में भी मल्टीपल चॉइस आता है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. सो कन्फ्यूज नहीं होना आपने, ये 10^-3 जो है वो 1 मिली को बोलते हैं, तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो होती है. अच्छा अब देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दैट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू 10^-3 मीटर पर सेकेंड. अब सपोज करें हमारे पास एक कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वायर है, लेट्स से जी एक क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर हम सपोज कर लेते हैं. इस वक्त जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी मोशन में होता है, रैंडम मोशन में होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एक मेटेलिक कंडक्टर में उनकी जो मोशन है वो रैंडम होती है. सो अगर इन सब का हम वेक्टर सम लेंगे सो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो है वो जो इनका जो करंट है इसमें वो क्या है, जीरो. क्योंकि जो इनकी जो मोशन है वो क्या है, रैंडम है. जब तक जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रीम लाइन नहीं होंगे तब तक जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है. तो आपने क्या करना है, जब इस जो है वो व्हेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, जब हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर. सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर, तो बैटरी का काम होता है कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना होता है. सो लेट्स से कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसमें जो है वो हम ये हाई पोटेंशियल हो गया ये लो पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इस बैटरी की ईएमएफ की पुश की वजह से क्या होंगे कि ये जो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे सारे के सारे, इनकी रैंडम मोशन ख़त्म हो जाएगी. सो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रीमलाइन होके ड्रिफ्ट, दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. सो बींग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलवेज टेंड टू गो फ्राम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. तो आप देखें अगेंस्ट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगेंस्ट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी स्पीड के साथ, 10^-3 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं. अच्छा इसमें जो कंडक्टर में जो करंट है, करंट थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय द फार्मूला I इज इक्वल टू NAQV. V यहाँ VD जो है वो किसको हम बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को. अच्छा आप देखो यहाँ पर जो Q है इसकी जगह हम E लिख सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज को किसको रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो गई जी, बी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एन आई ओवर एन एरिया इनटू ई. अच्छा इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं. सिंस हमारे पास जो है वो वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू क्या होता है वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस ओवर क्या आ जाएगा आर, तो मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेता हूँ. वी डी जो है वो इज इक्वल टू वी ओवर एन ए ई और आर, ई यहाँ पर जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. सो ये हमारे पास जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है. अब यहाँ से जो है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, जितना करंट ज़्यादा अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा. जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये आपकी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होती है. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. अच्छा एक और चीज़ जो है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर लेट से इंक्रीज करते हैं, सो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि सेंस जो है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. सो विद द राइज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है
वो चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, सो इसका मतलब है टेम्परेचर के साथ भी उसका रिलेशन निकाला जा सकता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, टेम्परेचर। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्यों, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। एक और चीज़ हमने चूंकि V इज इक्वल टू ED पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है V इज इक्वल टू ED यहाँ आएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो ये फैक्टर्स जो हैं जिन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है, ये एक नज़र आपने गो थ्रू कर लेना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है जी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो ज़ाहिर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पता है कैसे बढ़ेगी, ज़ाहिर है पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जितना बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सो अगर पोटेंशियल बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इनसे रिलेटेड ना कोई सिंपल कोई क्वेश्चन आ सकता है जो रिलेट कर रहा हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, सो ये वाला टॉपिक भी आपने एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट ही फॉर योर इन्फॉर्मेशन में, या इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट आपने जो है वो यू जस्ट नीड टू अंडरलाइन जो है वो फ्रॉम योर बुक, उसमें क्या है जी, सोर्सेज ऑफ करंट जो है वो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अंडरलाइन कर ले तो डेट इज़ गुड वन। सोर्स ऑफ करंट हम इसको बोलते हैं, अ सोर्स ऑफ करंट हम उसको बोलते हैं अ सोर्स विच कन्वर्ट्स अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, विच कन्वर्ट्स जो है सोर्स ने क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो सोर्स ऑफ करंट जो है वो सोर्स हम किसको बोलेंगे, अ सोर्स विच कन्वर्ट्स जो है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम कह देते हैं कि वो सोर्स ऑफ करंट है। फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक है जैसे उसमें एग्जांपल गिवन है अ सेल जो है, अब सेल जो है वो किसको कन्वर्ट कर रहा होता है, ये केमिकल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर रहा होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है ये कन्वर्ट करता है। तो इसलिए सेल, अब सेल भी दो तरह के आपके जो है होते हैं, ठीक है जी, एक सेल है जिसको हम बोलते हैं वो प्राइमरी, एक सेल है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है जी, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होते हैं ये जो है वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है, ये वंस यूज खत्म हो जाते हैं। सेकेंडरी जो है वो सेल कौन से होते हैं, जो रिचार्जेबल हो, जिनको दोबारा आप जो है वो चार्ज करके यूज कर सकते हैं, वो सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। इसी तरह से जो है वो आपके सोर्सेज ऑफ करंट में आपके पास जो है वो जनरेटर आ सकता है। जनरेटर का काम क्या होता है, उसमें कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है जी, उसने जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसी तरह से जी आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है सोलर सेल है, अब सोलर सेल जो होता है जिसको हम इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, पार्ट वन में चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था, इसका जो साइंटिफिक नेम है इलेक्ट्रिक वोल्टिक सेल भी होता है, चैप्टर 18 में भी आपने इसको डिस्कस किया हुआ है। सो इसका काम है कि इसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है जी। इसी तरह से जो है वो आपके पास थर्मोकपल जो है, थर्मोकपल जो है ये क्या करता है, ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है जी। तो ये हमारे जो है वो क्या कहलाते हैं, सोर्सेज ऑफ करंट, जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा आप देखो जी यहाँ पर जो है वो हमें इसके जो इफेक्ट्स ऑफ करंट हैं वो बड़े सिंपल हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट वाला है वो मैं करवा रहा हूँ। एक आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट, उससे रिलेटेड जी इफेक्ट्स ऑफ करंट में हीटिंग इफेक्ट,
हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो हम कहते हैं जी कि अगर किसी वायर में करंट पास कर रहा हो तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो एच आई स्क्वेयर आर टी के इक्वल होती है. हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी. सो जब किसी वायर में करंट जो फ्लो कर रहा होता है तो उसमें हम कहते हैं जी कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आई स्क्वेयर आर टी के इक्वल होगी. अगर कभी जो है वो हमें हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करना आ जाए तो करंट गिवन होना चाहिए, रेजिस्टेंस गिवन होनी चाहिए और टाइम गिवन होना चाहिए. यहाँ प्रॉब्लम तब बनती है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब आपको पेपर में जो है पूछा जाए कि ये बताएं रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड जो है वो क्या होगी. रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड तो फिर जो है वो समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज होता है. रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है तो वो एच बाई टी हो जाएगी. तो जाहिर है वो आपके पास आई स्क्वेयर किसके इक्वल होती, आर के इक्वल हो जाएगी, नहीं वो पार के फॉर्मूले के इक्वल होगी. सो ये है द क्वेश्चन में उसने पूछा द रेट एट विच द हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो फिर आपने फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर यूज करना है, फिर आई स्क्वेयर आर टी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना. तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. इसमें हम कह रहे हैं हीट प्रोड्यूस्ड, यहाँ क्या कह रहे हैं रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. अगर उसने पूछा तो एच बाई टी फिर फॉर्मूला यूज करना, फिर आपका आई उसके आर हो जाएगा. ठीक है, सो दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस याद रखना है. इसके अलावा जो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो जाहिर है मैग्नेटिज्म के टॉपिक पे हमने डिटेल में डिस्कस भी करना है. आप जस्ट यू फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट नीड टू नो कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके अराउंड जो है वो कंडक्टर के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. और केमिकल इफेक्ट में जो छोटी छोटी लाइंस हैं वो आपने ज़रा उसको अंडरलाइन कर लेना है. जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें से करंट पास कर रहा हो. ठीक है जी, वोल्टामीटर किसको बोलते हैं, जिस बर्तन में उस इलेक्ट्रोलाइट को रखा जाता है उसको वोल्टामीटर बोलते हैं. यू नो ऑलरेडी नो द डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड. फिर इसमें जी इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस वो क्या होता है वो जो है अंडरलाइन कर लेना बुक से. और ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो किस लिए यूज होता है, आपकी बुक में देखिएगा इस टॉपिक एंड पे लाइन लिखी हुई है कि हम जो है वो अगर हम किसी चीप मेटल के ऊपर किसी कॉस्टली मेटल की जो लेयर जो है अगर हम उसको चढ़ाना चाहें, लेयर उसके ऊपर लेयरिंग करना चाहें, जैसे जो हमारे पास जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसके ऊपर जो है वो हम गोल्ड की लेयर जो है वो चढ़ा सकते हैं. सो इस वाले प्रोसेस को यूज कर सकते हैं वहाँ पर. सो जस्ट जो है वो एक नज़र इसको आपने गो थ्रू कर लेना. नेक्स्ट जो है जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर. सो जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस जो है वो हम कहते हैं द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट. उसको हम कहते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है. ठीक है जी, बाय फॉर्मूला अगर हम देखें तो हम जो है वो इसको रेजिस्टेंस को जो है वो हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. सिंस हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V ओवर I. सो इसका जो SI यूनिट है वो हम कहते हैं क्या होता है जी, ओहम. और 1 ओहम जो है वो हम कहते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है. ठीक है जी. अच्छा, अब ये जो है वो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला. अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, जब भी हम बात करते हैं ऐसे जो रिजल्ट जो है वो जो हम एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस करते हैं उसको जो है वो हम एम्पिरिकल रिजल्ट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखें जी, इसमें लेट किया हमने कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है और उसका जो लेट से जी एरिया जो है वो हम सपोज कर लेते हैं ए, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो एक्सपेरिमेंट सेज के जो इसमें जो रेजिस्टेंस होती है, जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या है जी, लेंथ के. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया के. तो जब हम इसको जो है वो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं. सो एल ओवर ए. सो ये है जी हमारे पास रेजिस्टेंस. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है. रेजिस्टेंस डिपेंड करती है जी, नंबर वन जो है ये डिपेंड करेगी लेंथ के ऊपर. अच्छा, अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर जो है वो हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा देंगे
तो चूंकि डायरेक्टली पोर्शनल है, लेंथ डबल करोगे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, लेंथ हाफ करोगे रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, ठीक है जी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लेट्स इसको डबल करेंगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, इसको कम करेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तीसरी चीज जो है वो जिस पर डायरेक्टली रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है, डेट इज नेचर ऑफ द मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। सो जो है वो आप कह रहे हैं मटीरियल टू मटीरियल जो है इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। और नेक्स्ट जो है जी इसमें लास्ट वन जो है वो टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है, इसके ऊपर हम अभी बात करते हैं, द डिपेंडेंस ऑफ ऑन टेम्परेचर में बात करेंगे। सो जो मेन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है वो क्या है जी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटीरियल और टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं डेट इज सो सिंपल, इसमें आपको लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी गिवन हो सकती है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है, या फिर जो है वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्विस्ट करके भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाएगी वायर हैज अ रेजिस्टेंस जो है, अ वायर ऑफ लेंथ, लेट्स से हम इसको लेंथ एल हैज अ रेजिस्टेंस जो है लेट्स से आर, ठीक है जी। अब आपसे क्या कह सकता है, इफ इट इज कट इनटू टू equal parts and which is then bundled side by side, then ये बताएं new resistance जो है वो of the wire जो है वो क्या हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन। अब इसमें जो है वो आप देखें कि उसने ट्विस्ट क्या दिया है कि हमें एक वायर दे दी, वो कहता है इट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में आपने उसको कट कर दिया। लेट्स से जी मेरे पास जो है वो एक वायर है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया दो पार्ट्स में कट किया, इसकी लेंथ एल थी, एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, मैंने क्या किया इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अच्छा, कट करके तो जाहिर है दो पीस हो गए, तो लेंथ जो है उसकी क्या हो गई, हाफ हो, ठीक। उसके बाद कहते हैं दूसरे पार्ट में विच इज बंडल्ड साइड बाय, देन बंडल्ड साइड बाय साइड, साइड बाय साइड का मतलब है कि जो दो आपके पीसेस बन गए हैं उसको आपने जो है वो साइड बाय साइड रख के, साइड बाय साइड ऐसे रखा और साइड बाय साइड रख के, साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है जी कि आपने उसको जो है वो पैरल में, मतलब एक दूसरे को जोड़ के ट्विस्ट कर दिया। जब ट्विस्ट करेंगे तो उसका जो लेंथ तो हाफ हो चुकी है, जाहिर है दो पीस थे लेकिन एरिया उसका डबल हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, रो एल ओवर ए। अगर आप गौर करें तो चूंकि लेंथ उसकी हाफ हो गई है ईच पार्ट की, एरिया उसका डबल हो गया है, तो न्यू रेजिस्टेंस जो है डेट वेट बिल्कुल टू, आप देखें ना टू नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है जो उसकी रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल का क्या हो जाएगी आर बाय फोर टाइम्स हो जाएगी। सो लेट्स से कि यहाँ हमें उसकी वैल्यू भी गिवन हो सकती है, ठीक है जी। लेट्स से जी क्या रेजिस्टेंस ऑफ वायर एल हैज ए रेजिस्टेंस, लेट्स से मैं कहता यहाँ पर आर की जगह लेट्स से फोर ओम, तो न्यू रेजिस्टेंस अगर वो आपसे पूछे तो हम आर बाय फोर कर रहे हैं इसको, तो आर बाय आर जो है वो अगर फोर है तो फोर डिवाइडेड बाय फोर आंसर कितना आ जाएगा, वन ओम। तो इस तरह से वैल्यू भी गिवन हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हम एक और बात काम करते हैं, इसी का रिवर्स एक क्वेश्चन बनाते हैं, और डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं जी यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ जो है वो लेट्स से एल हैज आ रेजिस्टेंस जो है आर, ठीक है जी। अब देखें इफ इट इज स्ट्रेच्ड
टू डबल इट्स लेंथ। अगर आपने जो है वो उसको स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ डबल कर दी, देन न्यू रेजिस्टेंस बताएं क्या हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन उसका रेसिप्रोकल, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है। देखें कैसे। अगर आपके पास एक वायर थी, आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म वायर थी और इसका एरिया ए था, लेंथ आपकी एल थी, आपने उसको स्ट्रेच किया। अब स्ट्रेचिंग में आप उसको इस तरह से खींचेंगे, दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे, सो उसका जो उसकी जो लेंथ है अगर डबल हो जाती है, अगर लेंथ हाफ जो है उसकी टू टाइम्स कर ले तो लेंथ डबल होगी। तो यहाँ कट किया था, लेंथ हाफ की थी, वहां आपने स्ट्रेच किया, यूनिट स्ट्रेचिंग से लेंथ डबल कर दी। जब लेंथ डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा स्ट्रेचिंग से। तो जहां वर्ड आए स्ट्रेच, यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग आए, तो तब आपने कहना है कि उसकी जो लेंथ है अगर डबल हो रही है तो एरिया हाफ हो जाएगा। सो इसमें जो है वो न्यू रेजिस्टेंस फिर क्या हो जाएगी, आपकी रो एल जो लेंथ डबल हो रही है, एरिया आपका हाफ हो रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है वो फोर टाइम्स एज रेट ऑफ ओरिजिनल हो जाएगी। सो लेट्स से कि यहाँ आपको कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो सकती है, आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके न्यू रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं। सो देखें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिए। सो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन हो, लेंथ की वैल्यू गिवन हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन हो, और यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, या फिर यहाँ से रीअरेंज करके जो है वो आपको फाइंड करना आ सकता है, लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी गिवन हो सकते हैं। सो वो जो है वो कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह से इजी वैल्यूज के साथ आएंगे, वो इतना को मुश्किल उसमें वैल्यूज आमतौर पर एमडी कैड के लेवल पर नहीं देते। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, और जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वी से इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या समटाइम्स हम कहते हैं ये रेजिस्टिविटी है। ठीक हो गया। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये असल में क्या है। अब देखो कि हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, यहाँ से जो रेजिस्टिविटी है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, डैट वुड बी इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है जी। अच्छा अब चूंकि नाम हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि हम जो डायमेंशन है उसको फिक्स कर लेंगे किसी कंडक्टर के लिए। सो लेट्स से कि हमने एक कंडक्टर लिया जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हमने 1 meter square ले लिया। सो एरिया हमने फिक्स कर लिया, लेंथ उसकी जो है वो क्या कर दी 1 meter। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हमने सपोज किया है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो कि होता है एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम आपने उसका कितना ले लिया है, वन एरिया भी वन लेंथ भी वन, तो वॉल्यूम उसका 1 cubic meter हो जाएगा। सो जब हम इसको डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटिविटी को, हम कहते हैं कि इट इज द रेजिस्टेंस, बेसिकली ये रेजिस्टेंस ही होती है ऑफ कितना, 1 cubic meter ऑफ ए वायर। किसी भी मटेरियल जो है उसकी अगर वायर हम बनाएं तो उसका जो वॉल्यूम है अगर हम 1 cubic meter रखते हैं, यानी लेंथ को 1 meter रखें, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 meter square रखें, सो उसमें जो जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। असल में साइंटिस्ट ने जो रेजिस्टिविटी है इसका कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हम मटीरियल टू मटीरियल जो है वो देख सकें कि कंडक्टिविटी जो है वो कौन से अच्छे कंडक्टर हैं, कौन से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो उसको रेजिस्टिविटी से हम कंपेयर कर सकते हैं। सो अब यहाँ गौर करें कि जो इसका जो SI यूनिट है वो क्या बनेगा, चूंकि इसका ओम होता है एरिया का मीटर स्क्वायर और इसका लेंथ, तो इसका मतलब ये है इसका जो SI यूनिट है वो आपके पास क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। तो इसका SI यूनिट जो है वो ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का। अच्छा यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रेजिस्टिविटी है इट ओनली डिपेंड्स ऑन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली डिपेंड्स ऑन किस किस पे, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर वन नेचर ऑफ द मटेरियल, नंबर टू एरिया ऑफ, सॉरी नंबर टू टेम्परेचर। ठीक है जी। अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड
याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है इज इंडिपेंडेंट यानी डिपेंड नहीं करती डायमेंशंस ऑफ द वायर। अब डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल जो है वो हम कौन कौन सी डायमेंशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल लेंथ हो सकती है, फॉर एग्जांपल रेडियस हो सकता है, फॉर एग्जांपल डायमीटर हो सकता है। सो इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। वजह चूँकि आपने इसकी जो लेंथ है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको क्या कर लिया हुआ, फिक्स कर लिया हुआ, स्पेसिफाई कर लिया हुआ। सो अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक कॉपर वायर है उसको दो पार्ट्स में कट कर दिया, बताएं उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी। देखिए उसकी नेचर तो चेंज नहीं हुई ना, कॉपर वायर है तो अगर आपने उसको दो पीसेज में भी कट कर दिया तो कॉपर वायर ही रहेगी, तो जाहिर है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी रहेगी। तो कॉपर वायर के लिए जो रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है वो उतनी ही रहती है। इसी तरह से जो है वो आप अगर एल्युमिनियम वायर है, कोई भी वायर है, तो उसके हर एक की मटीरियल टू मटीरियल रेजिस्टिविटी जो है वो वेरी करती है। ठीक है जी। सो यहाँ पर जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है ये वाला स्पेशली जो पॉइंट है इसको आपने नहीं भूलना कि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पर, एरिया पर, रेडियस पर, डायमीटर पर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द मटीरियल एंड टेम्परेचर। फिर कुछ टर्म्स हैं दो इंपॉर्टेंट, वो उनको जरा देख लें। कंडक्टेंस जो है क्या होती है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टेंस होती है हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो है इट इज नोन एज कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। और इसका जो यूनिट होता है जाहिर है कि पर ओम बनता है, पर ओम। और पर ओम जो है यहाँ पर आल्सो पर ओम जो है वो वन पर ओम जो है इसको हम वन ओम साइमन के नाम पे इसको हम वन साइमन भी बोलते हैं। सो ये भी याद रखना है। ठीक है जी। दूसरा जो है यहाँ पॉइंट जो है वो कंडक्टिविटी। जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टिविटी हम कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका जो यूनिट है वो फिर क्या बनेगा, पर ओम पर मीटर। ठीक है जी। सो चूंकि वन ये पर ओम पर मीटर है तो इसको जो है वो हम चूंकि पर ओम को साइमन बोलते हैं तो ये आपके पास साइमन पर मीटर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी। सो कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और जो हमारे पास कंडक्टिविटी है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ओके जी। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों। चूंकि रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही होती है लेकिन उसको हमने ना स्पेसिफाई किया हुआ, डायमेंशन को फिक्स किया हुआ है। सो टेम्परेचर के साथ जो है वो कहते हैं व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज जो है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली जो है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑफ द एटम जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब उससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ कुलियंस हैं वो आपके जो है वो विद द इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड विद द जो है वो विद देम सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो देन जो है विद द इंक्रीज जो है वो चूंकि एटॉमिक वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सो इट इंक्रीजेज जो है एटॉमिक वाइब्रेशंस, उसने एटॉमिक वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर देना है। अगर एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ कुलियन जो हैं ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके साथ दो होते हैं जी, नंबर ऑफ कुलियंस जो हैं ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दो चीज़ों के साथ हो रहे थे, विद देमसेल्फ उनके अपने आप से एंड विद एटम्स। ठीक है जी। विद देमसेल्फ एंड विद एटम्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर जो है वो नंबर ऑफ कुलियंस इंक्रीज हो जाए तो जाहिर है हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। तो हिंड्रेंस बढ़ने का मतलब है, हेंस हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीजेज जो है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन कितनी बढ़ेगी, ज़रा कितनी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये नहीं होता कि टेम्परेचर डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, क्योंकि इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता। सो उसके लिए जो है वो हम फिर कोफिशिएंट ऑफ
टेम्परेचर कोफिशिएंट आप जो है वो टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो एंड रेजिस्टिविटी जो है वो फिर हम यहाँ से कैलकुलेट उसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी जो है यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आमतौर पर अल्फा। और वो क्या होता है जी, आर टी रेजिस्टेंस माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी, या फिर हम इसको अल्फा कहते हैं जी, रो टी रेजिस्टिविटी के साथ भी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट डेल्टा टी, ठीक है जी। और कोफिशिएंट ऑफ जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है बेसिकली ये क्या होता है, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या इन रेजिस्टिविटी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी, ठीक है, दोनों में जो इंक्रीज है पर राइज इन केल्विन। अगर वन केल्विन, अगर वन केल्विन या वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो अगर जस्ट वन केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होने से जितनी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ती है उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। यहाँ आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एंड टी टेम्परेचर, आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, इसी तरह से आर टी जो है वो, रो टी जो है वो आपकी फाइनल रेजिस्टिविटी होगी, रो नॉट इनिशियल और डेल्टा टी टेम्परेचर। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपके पास जो है वो क्या होता है, पर केल्विन। तो ऐसे यूनिट जो है वो कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, पर केल्विन। अच्छा, यहाँ एक ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होने का मतलब यह है कि देखें, जैसे हम कह रहे हैं कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, तो उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि आपने स्टेटमेंट जो है वो क्लियर जो है वो पढ़ के फिर आंसर करना है। जैसे लिखा हो, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब आगे ना दो चीजें हो सकती हैं। अब अगर तो स्टेटमेंट में उसने लिखा है कंडक्टर, ठीक है जी, या स्टेटमेंट में हो सकता है सेमीकंडक्टर, ठीक है जी, या जो है वो यहां पर जो है, अच्छा सेमीकंडक्टर, अच्छा अगर तो हो सेमी कंडक्टर, तो आप कहेंगे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टर जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस ऑफ या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो आपने कहना इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो उसका आंसर फिर क्या होगा, डिक्रीजेस, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है या रेजिस्टेंस होती है, वो जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर्स का, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो इस तरह के क्वेश्चन में यू हैव टू बी केयरफुल कि वो कंडक्टर की बात कर रहा है या सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा है। सो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर 2 इंशाल्लाह, उसमें फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।